सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली बढ़िया। सुबह के बज रहे हैं 12 बज रहे हैं फिलहाल, उठ तो हम 9 बजे गए थे। जैसा हो गया था जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था। तो अभी फ़िलहाल हम छतरपुर की तरफ जा रहे हैं, आके सब चीज़ बताता हूँ। एंड आपने सीन देखा ना, अभी इसके बारे में बात करूँ, मैं घर पहुँच के करूँ। अभी फ़िलहाल उस सेंस में नहीं हूँ, एक बार घर पहुँच जाऊँ मेहमान पर। और ये ओके मैम, आराम से ठीक है। अरे भैया पकड़ो, अरे बैठ, दिल बोल गया भाई तेरा, दिल बोलवा लो। तो अब बताता हूँ क्या हुआ। मानी की जो डॉग थी दूसरे वाली एमी भाई, शी इज़ नो मोर। अभी उसके क्रिमिनेशन से ही आ रहा हूँ, वहीं गए हुए थे। एक बार सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में फ़ोन आ गया था, और एक तो भाई रोते हुए जब फ़ोन आता है ना, अंदर से इतने गंदे गूस पम आते हैं, समझ नहीं आता क्या करे। मतलब मैं फुल नींद में था, सुबह सुबह 6 बजे 6:30 बजे के आसपास सोया था मैं, और 10 बजे के आसपास से लगा कॉल आया था। एंड आई वाज लाइक चलो यहाँ से चलो। तो तब से उठे हुए हैं, अब थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, बट ठीक है। मेरे को ना ये वाला जो लाइफ का फेज़ है ना, आज फर्स्ट टाइम मैंने फेस किया भाई, कि ऐसा कुछ भी होता है या इस तरीके का रिएक्शन होता है। लिटरली बता रहा हूँ मैं, स्टेला और ब्रूनो, स्टेला मेरे ख्याल से 2-1 साल हो गए स्टेला को, और ब्रूनो को 3-4 साल के आसपास। तो मैं अभी भी नहीं सोच पाता कि भाई अगर ये चले गए तो मेरा क्या होगा, किस तरीके से मैं रिएक्ट करूँगा, क्या होगा। तो भाई ये चीज़ सोच के ना मैं अंदर से ऐसा हो जाता हूँ कि यार शिट भाई ये तो अभी फ़िलहाल एक बार मैं जा रहा हूँ बाल वाल कटवाने एंड बियर्ड वगैरह सेट करवाने, क्योंकि आज मेरे को 2-3 काम थे, मैं नहीं कर पाया। फ़िलहाल 3:30 बज रहे हैं, कुछ भी काम नहीं किया अभी। तो एक बार गाड़ी वाड़ी खड़ी करके बेड वगैरह सेट करवा के आते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। भाई ये जो घर पे गाड़ी के साथ में जो कांड हुआ है ना, पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ बता दूं भाई, अगर तुम्हें लग रहा है ना, चाहे कैसे भी लग रहा है, मुझे नहीं पता क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई मैंने करवाया, तो भाई मैंने करवाया, तुम जो कर सकते हो वो कर लो। बट वो है ना, मतलब जो भी जिसने भी ये कांड किया है ना भाई, उसको देख रहे फुल। मैं बड़ी स्क्रीन में भी चलाने की कोशिश कर ली, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन है, पूरी हुड्डी पहन रखी है, नीचे मुंह करके घूम रहा है। एक दो बार ऊपर देखा तो उस टाइम पूरा अंधेरा है, ब्लैक एंड व्हाइट, रात को लाइट वाइट नहीं चल रही थी। तो बताऊँगा इसकी, घर जाके बताऊँगा पूरी कहानी की एग्जैक्ट क्या हुई है। और मतलब रात को ना ब्रूनो और स्टेला भोंकते हैं ना, तो मतलब ऐसा हो जाता कि मैं उनको डांट के ना चुप करवा देता हूँ, मत करो मत चिल्लाओ ये मत करो। कल चिल्ला रहे थे, मुझे लगा भैया यार बाहर सारे दिन कुत्ते भोंकते रहते हैं और इस चक्कर में चिल्लाते रहते हैं, तो भाई मैंने उसी चक्कर में इसको डांट के ना चुपचाप बैठा दिया। पूरी कहानी बताऊंगा वहाँ जाके कि भाई एग्जैक्ट क्या हुआ था। भाई लैपटॉप लेना पड़ेगा ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बोलने भूल गया था, गुड आफ्टरनून हो रही वैसे तो, बट गुड मॉर्निंग। गुड डे भाई, ये लो करी बाल बाल कटवा लिए। अभी एक बार दिखाता हूँ, सारा सामान वहाँ रख देता हूँ एक बार। तो भाई घर आ गया था, और अब बताता हूँ इसकी कहानी। पहले तो ये दिखाता हूँ उसने किया क्या है कल। गेट, पहले तो उसने गेट खोलने की कोशिश की इसमें, और उसके बाद देखो ये क्यों, ये कौन सी बुक है भाई,
और इसके ऊपर खड़े हो गए। वो भाई पता नहीं क्या तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसे क्या कर रहा था, बट अब बताता हूँ सीन क्या हुआ। भाई रात की बात है, अराउंड एक ये हुआ तो 1 बजे के आसपास है, और 1 बजे मैं ऊपर ही बैठा हुआ था। तो ब्रून और शेल है ना, नॉर्मली भोंकते हैं यार, वैसे ही बाहर के कुत्तों के सोच सोच के भोंकते रहते हैं, भोंकते रहते हैं रात भर। तो कल तो कुछ ज़्यादा ही भोंक रहे थे, मतलब 15-20 मिनट इतनी गंदी तरीके से भोंके, मुझे लगा, मैंने कहा क्या है, नीचे भोंक रहे होंगे, वैसे ही कुछ जा रहा होगा। तो एकदम से एंड में ये वाली जो लाइट है ना, ये लाइट जलाई, अब ये वाली जो लाइट है ना भाई, ये लाइट हो रखी ख़राब। तो विशाल ने जल्दी से ये वाली लाइट जलाई, तो जब तक ये लाइट जलाई थी ना, हमने ऐसे ही झांक के देखा था, तो यहाँ कोई भी नहीं था। नहीं, भोंक क्यों रहे हैं फिर, क्योंकि टाइम उस टाइम देख लिया था, तो दिमाग में टाइम चल गया था। तो भाई सुबह सुबह उठा, उठते ही जैसे मतलब इलाका कॉल आया, उस टाइम जैसे ही बाहर आके देखा, ये इसी तरीके से खड़ी हुई थी गाड़ी। और भाई ये सामने से जब ये हटा हुआ देखा ना, था कल, मैंने कल रात को ही देखा है, कल रात को मैं ऐसे साफ वाफ करता रहता हूँ ना इसे, तो कल रात को देखा, मैंने कहा सही था यार ये तो कल रात को। फिर मैं एकदम से मतलब बैठे बैठे वहाँ पे एक बार फ़ोन में ये ना कैमरा चेक करने लगा उसके आसपास, और उसके आसपास मैंने देखा भाई पहले यहाँ जा रहा है, यहाँ खड़ा हो रहा है, इस साइड खड़ा हो रहा है, यहाँ से पीछे गया, डिग्गी खोलने की कोशिश की उसने, इस साइड से ऐसे घूम के यहाँ वापस चला गया, इस साइड कहीं गेट वेट खोलने की कोशिश की उसने, गेट खोलने की कोशिश कर रहा है भाई, गेट नहीं खुला, तो इस साइड जाके भाई वहाँ पर खड़ा हो गया, पीछे देख रहा है कभी कुछ हो रहा नहीं हो रहा, फाड़ दिए दोनों के दोनों फाड़े, और 2 सेकंड के लिए मतलब गाड़ी के आगे आके खड़ा हुआ, मतलब फुटेज तो मैं दिखा लगा ही रहूँगा साथ के साथ, ये भाई फुटेज गाड़ी के आगे खड़ा हुआ, गाड़ी के ऊपर चढ़ के और कूदा, जैसे ही कूदा होगा ना वहीं की वहीं तुरंत एकदम से स्टेलर और ब्रूनो बहुत तेज़ से भौंकने लग गए थे। तो मैं एकदम से विशाल को बोला, मैं कहीं बार देखिए बाहर कुछ है क्या, तो विशाल ने लाइट जलाई होगी एकदम से ना, उससे कैमरे की जो मतलब वैसे तो नाइट मोड ऑन रहता है, अरे 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 घर वर में मत घुसा दी किसी के, तो वैसे तो नाइट मोड ऑन रहता है, बट क्योंकि लाइट जैसे जली होगी ना तो प्रॉपरली विजिबल दिखा, बट विजिबिलिटी में भी भाई उसका चेहरा नहीं दिखा। एक तो मेरे को इसकी सर्विस वापस करानी पड़ेगी कैमरों की, मगर रात को ऐसे कैमरे में शक्ल नहीं दिखेगी तो पता कैसे चलेगा, और नहीं वो तो फिर चेंज करवा दूंगा कैमरे। मैंने कहा भाई मुझे वो वाले फोकस वाले कैमरे चाहिए, जिससे बंदे की जो भी है बिल्कुल क्लियर फुटेज आ जाए, कर जाएगा इनको एक बार देख जाएगा। बेसिकली है ना, हर थोड़े थोड़े दिन में इसके तार पे ना कार्बन जम जाता, जिसकी वजह से इसकी क्लैरिटी डाउन हो जाती है, या फिर ये सर्विस मांगता रहता है, जिससे ये लग रहा है। मम्मी को भी नहीं दिखाया, मम्मी को दिखाता हूँ बाहर गाड़ी पे, पूरा भी दिखाया, देखो बाहर आके देखो, ये टोपी वोपी पहन रखी थी, ये फाड़ दिया ना लिखा हुआ। हाँ ये तो कल भी हो रहा था, नहीं कल कहाँ हो रहा था, कल हो रहा था शाम को देखा था मैंने, मैं खुद लेके आया हूँ, मुझे पता है, मैंने कल शाम को चेक ही किया है, और मैंने फुटेज में भी चेक कर लिया, इधर वो खड़ा था, आपने फुटेज देखी, हाँ तेरे उसमें तो देखी व्लॉग में, भाई पहले वो यहाँ खड़ा हुआ है, फिर वो गाड़ी के ऊपर चढ़ा है, वो तो मैंने छोटी सी फुटेज आ ली, अभी पूरी दिखाता हूँ आपको। उसने गेट, उस बंदे ने गेट खोलने की भी कोशिश करी है, यो खोलने की भी कोशिश करी है, पीछे वाले खोलने की भी कोशिश की है, साला पाड़ गया उल्लू का पट्टा, सारे में स्क्रैच मार गया, जो ऊपर चढ़ रहा है, हाँ, इसके ऊपर चढ़ के कूद रहा है, और इतने में ही ये क्या कहते हैं वोकल लगे, मैं एकदम से बाहर गया, इसने विशाल ने लाइट जलाई, लाइट जलाती यहाँ से भाग गया वो, तो ये नहीं समझ में आया कौन है, साला फुटेज ना दिख रही अच्छे से, गाड़ी कहाँ लगाऊं, गाड़ी घर के अंदर लगानी शुरू कर दो, मैं कह रहा हूँ आपसे ड्राइंग रूम हटाओ, ड्राइंग रूम में से सोफे वोफे हटाओ, मैं गाड़ी लगाऊंगा इस अंदर है ना, हाँ ये हटवा देता हूँ, ये बड़ा अंदर तुड़वा देता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ गाड़ी है ना। तुम बताओ क्या करना चाहिए अगर वो पकड़ा जाता तो, पकड़ के सूड़ेंगे और क्या करेंगे, सूड़ देंगे मम्मी से, सूड़ो अम्मा ठीक है, रात में हमने उठा दूंगा, हाँ मम्मी बाहर कोई आ रखा है देख लेना, मेरे भाई माना को भी ले आया मैं भाई साथ के साथ, बाल कटवाने आने के बाद माना को ले आया, ये थोड़ा ग्रूम करवाने के बाद एक नंबर हो जाता है चेहरा ना, पतला पतला भी लगता है थोड़ा, मतलब ऐसा नया धोया भी लगता है, नया धोया तो नहीं लगता, काले ही रहे हो, जो सेकंड में बेइज्जती करी है ना ये, तो 5 मिनट बाद भी कर सकती थी, ऑलवेज गिव योर ऑनेस्ट रिव्यू, तो बहु है तू, तारीफ करने लायक बनी है, ये देख कितना गोरा लग रहा हूँ, क्या बात कर रही है, कहाँ काला लग रहा हूँ मैं, ये तो जलती है मुझसे। तो भाई अभी फिलहाल घर से निकले हैं, बस हम जा रहे हैं सेक्टर 15 कुछ काम है, उसके बाद आएंगे। बाकी मैंने तेरा क्या रिव्यू है इस पे, ये जो बकचोदी करी है, क्यों करना है, किसी को ऐसा काम जरूरत नहीं है, तुम्हारा कुछ आ नहीं रहा, तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा करने से, गाड़ी मेरी, काम मेरा, नाम मेरा, जो मैं करवाना चाहूँ वो करवाऊँ, ये पता नहीं क्यों कहाँ से कैसे उठ के आ जाते हैं, तुम्हारे नाम पे कर लेते, इस पे क्यों छेड़ा, क्यों करना था,
अगर कर भी रहा था तो मैं कह रही हूँ कि ये क्यों छेड़ना था। आज लग रही है प्रॉपर, ये ना ये पहन के रखा कर, ये अच्छा लगता मेरे को। आई फील लाइक बहू बहू वाली वाइब आती रहती है मेरे को। अच्छा है? चुन्नी से? हाँ चुन्नी से लगता है ना कि हाँ यार किसी की वाइब जा रही है। अब हाथ में चूड़ा है, चल अभी तो थोड़े दिन तो बचा हुआ है तो अभी थोड़े दिन लगेगा। उसके बाद ऐसा जाया जा रहा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जा रहे हैं, तो या तो मानसी आंटी आ गई है। चुन्नी से नहीं आती, चुन्नी से मेरे को, चुन्नी यार मेरे को सीरियसली बताऊँ मेरे को सूट बहुत पसंद है, सूट पहना कर मेरे को बहुत पसंद है। तो बोलते हैं मेरे को पसंद, मेरी पसंद पहनेगी तो सूट पहना कर, आई लव सूट। कभी कभी चल जाओ शेप में आ जाऊँ, मतलब इंडायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं पहनूंगी। नहीं क्यों, डाले नहीं दो तीन दिन डाले थे ना। मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, इनडायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं पहनूंगी मैं, शेप में आऊंगी नहीं नहीं पहनूंगी। हाँ बहुत जल्दी, अभी भी क्यों लगा रहे हो, मत लगाते ना। आंटी से एक बार मना कर देता हूँ तो मैं मान जाओ ना। आप सब कमेंट करके बताओगे भाई ये ऐसे अच्छी लगती है ज्यादा या फिर वेस्टर्न में, इंडियन में या वेस्टर्न में, साड़ी सूट ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग। भाई क्या छुपा रहे थे आप, इन मैं क्या कर रहा हूँ अभी बताना, दिख जाएगा आंख में, क्या दिख जाएगा ये वो दिख जाएगा। तो भाई वहाँ पे ना मानी मानी को एक बार अभी सेक्टर 15 में छोड़ के आया था, और उसके बाद आने के बाद मैंने सोचा, मैंने कहा चलो एक एक कॉफी पी लेते हैं, तो परम भाई ने बुला लिया यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक एक कॉफी पी है, अब मस्त यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मानी का फोन आ चुका है। वो देखो इतने सारे गिलास आज इकट्ठे कर लिए ना, कहाँ गया। हाँ ये देखो मेरे भाई शादी होने के बाद ये सारी चीजें तो जर्मन सी है, मतलब होना चाहिए। चलो आपको तो 10 साल हो गए इस चीज का एक्सपीरियंस करते हुए, आप मेरे से ज्यादा अच्छे से जानोगे। आपसे कुछ चीजें सिखाएंगे भाई हम आपको। भाई ऐसे मत बोलो, मेरे वाली देखती है वो कहती है, मैंने एक दिन है ना ऐसे ही बोलती है, मेरे दोस्तों ने ना मेरे को बताया कि लड़की है ना पहले तो गर्लफ्रेंड होती है जब तक तो ठीक होता है, अब उसके बाद है ना क्या बिगड़, क्या चेंज होएगा, सेम ही तो रहेगा। नहीं सेम नहीं होता, एक एक चीज पर उठेगी, ये चीज मैंने बोल दी थी। तो उसने मेरे से यही बोला कि ये परम भाई ने सिखाई होगी, परम भाई ने नहीं सिखाया था मेरे को। ओह भाई यार ये यहाँ पे तो पहला शक भाई मेरे पे मेरे ऊपर ही आएगा। उनका आ चुका है, उसका आ चुका है, मानी का आ चुका है कि परम भाई ने बोला था ना वो। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बोला, मैंने कहा उन्होंने नहीं बोला भाई, नहीं बोला परम भाई ने, और किसी ने बताया पर मैं नहीं बताऊंगा। चलो भाई परम भाई चलो मिलते हैं। तो भाई फाइनली मैंने गर्मी डिक्लेयर कर दी है, कल भी मैं हाफ स्लीव्स में था और आज भी फुल ऑन, भाई हो गई गर्मी शुरू हो गई। तो भाई फिलहाल के लिए ये है भाई, इस व्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ। ये जो थिएटर हुआ मैंने अच्छे से देखा, जांच पड़ताल की, यार मत क्या करो, गलती से मैं फटे गए तो बहुत बहुत पता नहीं कितना कुछ कंट्रोल करके बैठा हूँ, बट इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो तुमने की है, मैं जाके आज फिर लगवा लूँगा, नया लगवा लूँगा, उतरवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा तो मत करो, किस दिन गलती से जपे गए तो भाई फिर गलत काम होएगा। खैर इस व्लॉग को ये एंड करता हूँ, आई होप गाइस आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगा फॉर व्हाट सो रीजन डू लाइक डू कमेंट डू शेयर, नहीं हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लाइट की वजह से ना मैं धूप में आके बात कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।